दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसी कई अभिनेत्रियां आईं जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अपनी अदाओं के जरिए लोगों की खूब वाहवाही बटोरी। लेकिन कामयाबी हर किसी को नहीं मिली, क्योंकि बॉलीवुड में कामयाबी पाने के लिए सिर्फ खूबसूरती और टैलेंट की जरूरत नहीं होती। यहाँ किस्मत अक्सर लोगों के साथ खेल खेल जाती है और किस्मत के आगे एक से बढ़कर एक कलाकार भी पीछे रह जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है आज की हमारी अभिनेत्री के साथ। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री नफीसा अली की, जिन्होंने अपनी शुरुआती फिल्मी करियर में ही एक ऐसी गलती कर दी जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए फिल्मों से दूर हो गई। नफीसा ने भले ही कम फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी फिल्मों में उनके काम को लेकर दर्शकों ने उन्हें बेहद सराहा। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक बेहद खूबसूरत अभिनेत्री होने के साथ साथ नफीसा पूर्व मिस इंडिया रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने स्विमिंग में भी काफी प्रसिद्धि हासिल की है, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना किया। फिर चाहे उनके करियर को लेकर हो या फिर उनके प्यार को लेकर, उन्हें हर तरफ से सिर्फ परेशानियां और मुश्किलें ही मिली। तो दोस्तों, यदि आप नफीसा की निजी जिंदगी को और भी नजदीक से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको नफीसा के प्रारंभिक जीवन, निजी जीवन और करियर के साथ पारिवारिक जीवन से भी रूबरू कराएंगे। बात करें उनके प्रारंभिक जीवन की, तो नफीसा का जन्म 18 जनवरी 1957 को कोलकाता पश्चिम बंगाल के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। नफीसा ने अपनी पढ़ाई लामार्टिनियर कोलकाता से पूर्ण की। इसके बाद उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद द्वारा सिखाए गए वेदांत का भी अध्ययन किया, जिन्होंने विश्व समझौता केंद्र चिन्मय मिशन शुरू किया था। एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी नफीसा को उनके करियर का कोई भी डिसीजन लेने के लिए उन्हें नहीं रोका गया। उन्हें हमेशा अपने परिवार का सपोर्ट मिला, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स में जाना चाहे या फिर मॉडलिंग करना चाहे। और यही वजह थी कि उनके करियर की शुरुआत उनके बचपन से ही हो गई थी। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में स्विमिंग करना सीख लिया था। वो एक बेहतरीन तैराकी थी। उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप जीती और स्विमिंग चैंपियन बनने के बाद उन्होंने सन 1976 में मिस इंडिया का खिताब भी जीत लिया। मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद नफीसा को सन 1977 में मिस इंटरनेशनल के कंपटीशन में भेजा गया, जहां वो सेकंड रनर अप रहीं, जिसके बाद कई मैगजीन और अखबारों के फ्रंट कवर पेज पर थीं। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि उनके पिताजी ने अभिनय करने से उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने बाद में ये भी कह दिया कि अब 21 वर्ष की हो गई है और अपने फैसले स्वयं ले सकती है, जिसके बाद उन्होंने सन 1978 की फिल्म जुनून से अपने करियर की शुरुआत की। शशि कपूर द्वारा निर्मित और श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म रस्किन बॉन्ड के काल्पनिक उपन्यास ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स पर आधारित है। फिल्म में नफीसा ने शशि कपूर, जेनिफर कैंडल, शबाना आजमी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। इस फिल्म के दौरान ही नासिर हुसैन नफीसा और ऋषि कपूर को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक बेहतरीन कहानी तैयार की। लेकिन उस फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट की कुछ ऐसी शर्तें थी जो नफीसा के पिता को मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने नफीसा को इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। इसके बाद नफीसा को बहुत ही कम फिल्में ऑफर हुईं और उनका फिल्मी करियर बनने से पहले ही खत्म हो गया। वो रॉबिन खोसला की सन 1993 की फिल्म तुम करो वादा में नजर आईं, जिसमें उन्होंने शम्मी कपूर, राधिका सारत कुमार, दलीप ताहिल और राजेंद्र नाथ जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की। फिल्म में नफीसा के काम को दर्शकों ने बेहद सराहा और इसी वर्ष वो क्षत्रिय फिल्म में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने सनी देओल, संजय दत्त, धर्मेंद्र, सुनील दत्त, विनोद खन्ना जैसे महान कलाकारों के साथ काम किया। तत्पश्चात उन्होंने सन 1996 की फिल्म आतंक में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ काम किया। साथ ही फिल्म में रवि किशन, विनोद मेहरा, रंजीत जैसे कलाकार मौजूद रहे। सन 1998 की फिल्म मेजर साहब नफीसा की लाइफ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस फिल्म के निर्देशक टीनू आनंद थे। फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन और अजय देवगन जैसे कलाकारों के साथ काम किया। साथ ही इस फिल्म में सोनाली बेंद्रे भी दिखाई दी। 2000 के दशक में उन्होंने बेवफा, लाहौर, गुजारिश, ख्वाब, गुलाबी घाटी, लाइफ इन ए मेट्रो, बिग बी, ये जिंदगी का सफर, यमला पगला दीवाना, साहेब बीबी और गैंगस्टर 3, ऊंचाई नामक फिल्मों में काम किया। उनकी हाल ही में रिलीज हुई सन 2022 की फिल्म ऊंचाई में उन्होंने अभिनेता अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, परिणीति चोपड़ा, नीना गुप्ता और राजू खेर के साथ काम किया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता तो हासिल नहीं हुई, लेकिन फिल्म में उनके काम को बेहद सराहा गया। इसके अलावा उन्होंने ममूटी के साथ सन 2007 में बिग बी नामक एक मलयालम फिल्म में भी काम किया। नफीसा अली ने राजनीति में भी दिलचस्पी दिखाई और सन 2004 का लोकसभा चुनाव दक्षिण कोलकाता से लड़ा।
लेकिन उसमें वो हार गईं। जिसके बाद 5 अप्रैल 2009 को संजय दत्त को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व दोष सिद्धि के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ा और वो 2009 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई और कहा कि वो आजीवन कांग्रेस में वापस आ रही हैं। लेकिन वो 2022 गोवा विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर 2021 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। कहा जाता है कि शादी के बाद अपने बच्चों की परवरिश के खातिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, जिसके कुछ साल बाद उन्होंने इंडस्ट्री में वापसी की, लेकिन उन्हें कैंसर हो गया और फिल्मों से फिर से दूर हो गई। उन्हें तीसरे स्टेज का पेरिटोनियल और ओवेरियन कैंसर हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी और अपनी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ फोटो शेयर करके लिखा कि अभी अपनी प्रिय दोस्त से मिली, उन्होंने मुझे कैंसर से जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं भी दी। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी हरा दिया और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की तो नफीसा के पिता अहमद अली बंगाली मुसलमान थे, जबकि उनकी माता फिलोमना एक रोमन कैथोलिक थी। इसके अलावा नफीसा के दादा एस वाजिद अली बंगाल के प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे, तो वहीं नफीसा की बुआ जैब उन निशा हमीदुल्ला एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थी। नफीसा एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन उन्होंने शादी एक सिख परिवार के लड़के से की जिससे वो बहुत प्यार करती थी, जिसका नाम था रणवीर सोढ़ी, जो कि एक पोलो प्लेयर और कर्नल थे। नफीसा की सोढ़ी से मुलाकात उनकी पहली फिल्म जुनून के दौरान ही हुई थी और सोढ़ी की रेजिमेंट में इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी। इसी बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों कभी पोलो मैच के दौरान तो कभी हॉर्स राइडिंग के दौरान एक दूसरे से मिलते रहते थे। लेकिन ये प्यार से शादी तक का सफ़र उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, क्योंकि सोढ़ी उनसे 14 साल बड़े थे और एक सिख परिवार से बिलोंग करते थे। पर दोनों ने हार भी नहीं मानी और आखिर में अपने प्यार को हासिल किया। एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें अपने प्रेमी के दोस्तों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि दोनों के परिवार वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और अपने परिवार की नाराजगी देखकर उन्होंने कोलकाता में रजिस्टर्ड शादी की, लेकिन शादी के बाद भी नफीसा की सास ने नफीसा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद कुछ दिन नफीसा को अपने पति रणवीर के दोस्तों के घर रहना पड़ा। कुछ समय बाद नफीसा की सास के बड़े भाई नफीसा के पास आए और नफीसा से माफ़ी मांगते हुए उनसे घर चलने को कहा। नफीसा ने उनकी बात को माना और उनके साथ अपने पति के घर चली गई, जिसके बाद नफीसा और रविंदर को पूरे रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से शादी कराई गई। आज वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद खुश हैं। नफीसा इन दिनों अपने परिवार के साथ गोवा में रहती हैं। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां पिया और अरमाना हैं और एक बेटा अजीत सोढ़ी है। नफीसा के बेटे अजीत भी एक्टर बनना चाहते हैं और बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा नफीसा के ग्रैंडचिल्ड्रन भी हैं, लेकिन उनके नाम पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन वो अक्सर उनके साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। नफीसा जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती हैं, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत उनका मन है। जानवरों से बेहद प्यार करती हैं और कई सोशल वर्क का हिस्सा भी रह चुकी हैं। वो एड्स जागरूकता फैलाने के लिए काम करने वाली संस्था एक्शन इंडिया से जुड़ी हैं। उनका मानना है कि बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा आंतरिक खूबसूरती ज़रूरी होती है, जो कि हमेशा आपको खूबसूरत रखती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।